हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्टडी 24 ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, आज मॉर्निंग न्यूज में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट खबरें बताने वाला हूं। सबसे पहले, कल गेस्ट टीचर को जो परमानेंट कर रहे हैं उसके विरोध में बच्चे इकट्ठे हुए थे, कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए थे, उसके बारे में अपडेट दूंगा कि क्या कल क्या हुआ। इसके बाद कल विप्लव जी से, बैक टू स्कूल वाले जो बड़े भाई हैं, उनसे मीटिंग हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपने लाइव देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। तो साथियों, कल गेस्ट टीचर्स को परमानेंट किया जा रहा है उसके विरोध में कैंडिडेट्स इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने जो शिक्षा मंत्री हैं, हरियाणा के जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके घर के सामने नारेबाजी करी। और जो हुड्डा ग्राउंड है बस स्टैंड के पास महेंद्रगढ़ में, वहां पर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना विरोध दिखाया, विरोध जताया कि ये नाइंसाफी क्यों है। अगर साथियों देखा जाए, उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि गवर्नमेंट एस्टेट एग्जाम लेती क्यों है अगर उनको वैकेंसीज नहीं देनी। मैंने पिछले टाइम भी एनालाइज किया था कि गवर्नमेंट कैंडिडेट से पैसे कमाती है, उनको जॉब नहीं दे रही। तो ये कुछ चीजें देखने को मिली और उन कैंडिडेट्स ने अपना विरोध जताया वहां पर। और अब देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। हालांकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद वहां से दिखी। और यही है कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको परमानेंट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मांग ये नहीं है कि उनको हटा दिया जाए, वो ये कह रहे हैं कि आप इनको अलग डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं, इनमें से काफी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको जिनका एस्टेट क्वालिफाइड ही नहीं है। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर काफी ऐसे गेस्ट टीचर्स हैं जिनका एस्टेट क्वालिफाइड नहीं है। तो उन्होंने मांग करी कि अगर आप ये एग्जाम, मतलब बिना इस एग्जाम के आप लगा रहे हैं जॉब, तो ये आप ले क्यों रहे हैं, और जिन्होंने कर रखा उनको जॉब नहीं। तो ये चीजें बहुत गलत थी जो गवर्नमेंट कर रही है। तो ये जो कैंडिडेट्स का विरोध था, मुझे लगा जायज है, और आप भी अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अगर ये गेस्ट टीचर पक्के होते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स की मांग ये थी इनको और डिपार्टमेंट में आप शिफ्ट करते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी के घर में, मतलब उनके घर की इनकम खत्म हो जाए। लेकिन आप इनके चक्कर में जो और कैंडिडेट्स हैं जिनसे आप पैसे कमा रहे हैं, जिनसे आप और लोगों की सैलरी दे रहे हैं, मतलब जॉब के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, ये तो बंद करिए। तो साथियों, आप अपने व्यूज भी दीजिए, इसके बाद बात करते हैं। विप्लव जी से कल मीटिंग हुई थी, अभी आप अपनी स्क्रीन पे पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो कुछ लोगों के विचार थे उनके बारे में कि यार वो बंदा हाइपर जल्दी होता है, या उनके मतलब एंग्री एंग्री टाइप के बंदे हैं वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे। बड़ा ही अच्छा वेलकम उन्होंने किया, और आप यकीन मानिए साथियों, इतना अच्छा लगा बात करके, मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि कितना अच्छा लगा। हम दो साथी गए थे वहां पे, तो बहुत अच्छा वेलकम किया उन्होंने, और मतलब पूरी चीज़ें उन्होंने ओपन माइंड से बताई सारी चीज़ें, और साथ में वीडियो भी हमने शूट करी है। वो वीडियो भी एक दो दिन में एडिट होने के बाद आप लोगों के सामने आ जाएगी, जिसमें उनसे मैंने क्वेश्चन किए हैं, और उन्होंने ये बोल दिया कि जो आपके माइंड में क्वेश्चन है मैं ओपन माइंड से आपको आंसर दूंगा। तो वो वीडियो भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तो बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी के मामले में वहां पर बहुत मटेरियल है। अभी उन्होंने अपनी एक ऐप भी लॉन्च करी है, तो बहुत अच्छी जगह है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, देखो ये नहीं कि मैं अपने चैनल के लिए कर रहा हूं, वो सही है, लेकिन जो मैंने एक्चुअल में देखा वो उनके वहां पर स्टडी मटेरियल इतना है, बहुत ज्यादा। शायद यूट्यूब में आप कोई भी चैनल देखेंगे, उनसे अच्छा कोई नहीं करा सकता, इतना स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल सकता। हालांकि आपकी अपनी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो करें, लेकिन मेरा जो व्यूज है मैं यही कहूंगा। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।